दोस्तों यहाँ पे देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, देख कर तो मन करता अभी खा लेते हैं। गजब, बहुत ही अच्छा टेस्ट। चलिए आपको खा के हम लोग बताते कैसा लगता है। हम तो खा लिए, बता भी दे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके सामने मीट गजब लग रहा है, चिकन मटन भी फेल है इस सब्जी के। क्या सब्जी है, बहुत टेस्टिंग, बहुत ही मजेदार है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा सब्जी बन चुका है, अब इसमें हम इसको रख देते हैं। ये देखिए क्या कलर है, क्या टेक्सचर, आपको देख मन कर रहा है खाने का? मुझे बहुत मन कर रहा है, पूरे आलू खा जाते, रस छोड़ देते, इतना अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम आलू का फ्राई वाला खाए थे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? और यहाँ पे देखिए हम आज एक बहुत ही अच्छा रेसिपी बनाने वाले हैं, जो कि आलू का जो होता है ना अंडा कढ़ी, इसको बोलते हैं, मतलब आलू का कढ़ी बोल सकते हैं आप लोग इसको। तो इस सबको इसीलिए आलू मंगवाए हैं नया वाला, और इसको छील रहे हैं, और फिर देखिएगा हम कैसे कैसे बनाते हैं पूरा रेसिपी, और बहुत ही अच्छा सब्जी बनता है। और दोस्तों ये सब्जी ना बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग रेसिपी देख के सीख लीजिए, और आप भी अपना घर पे जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये ठंडा का मौसम है, तो ठंडा में ये सब्जी अच्छा लगता है खाने में भी। देखिए हम जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी कीजिएगा। सबसे पहले ऐसे आलू का ऊपर का छिलका उतार लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम सारा आलू का छिलका उतार रहे हैं जल्दी जल्दी से, आप लोग भी ऐसे ही उतार लीजिएगा सारा आलू का छिलका। यहाँ पे देखिए हम 1 kg आलू का बनाए हैं, आप लोग अपना हिसाब से जितना भी मन करे उतना बना लीजिएगा। और फिर दोस्तों इसमें हम छेद करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले सबसे पहले तो पूरा का छिलका उतार लेंगे, उसके बाद इसमें छेद करेंगे। और छेद करने के लिए ये देखिए हम चाकू का इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि हम ना वो क्या बोलते हैं कांटा वाला चम्मच खोज रहे थे, बट हमको मिला नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हम चाकू से ही छेद करे, बट चाकू से उतना अच्छा छेद नहीं हो रहा था, तो हम फिर ये ऊन वाला जो कांटा होता है ना वो लिया है, फिर उससे गोल गोल छेद कर रहे हैं। गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और देखिए हम इस पानी में से उस पानी में साफ पानी में रख रहे हैं आलू को, क्योंकि साफ सफाई का भी बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है गाइज। फिर यहाँ पे देखिए हम जल्दी जल्दी से सभी को छेद कर लेंगे, और यहाँ पे देख सकते हो इतना अच्छा हम रेसिपी आज बना रहे हैं ना, जो आप लोग खाइएगा तो मुंह से पानी आने लगेगा, मतलब उंगली चाटते रह जाएगा, इतना अच्छा रेसिपी है। और फिर देख सकते हो यहाँ पे गाइज हम सारा को छेद कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए अब सारा को हम साफ एक थाली में निकालने वाले हैं, क्योंकि वो साफ हो चुका है, छेद भी हो चुका है। और फिर दोस्तों उसको हम फ्राई भी करेंगे, क्योंकि फ्राई करेंगे तभी तो अच्छा लगेगा ना। तो हम देखिए यहाँ पे जल्दी जल्दी से हम सारा आलू को छान छान कर निकाल रहे हैं थाली में, और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, वाह, मतलब सारा आलू हम देख सकते हैं निकाल लिए दोस्तों। अब यहाँ पे बैटर के लिए यहाँ पे देखिए हम प्याज कटिंग कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले तो झांस लग रहा था, इसलिए हम आधा आधा काट काट के पानी में रख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सारा, मतलब जितना भी आप क्वांटिटी के हिसाब से आप ले सकते हैं, मतलब जितना भी आपको प्याज ये आलू के हिसाब से आप ले सकते हैं। देखिए हम आधा केजी प्याज मंगवाए थे, तो आधा केजी काट दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हरा मिर्ची काट रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो हम 3 हरा मिर्ची काट रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 टमाटर लिए हैं, जो कि रेड वाला, उस टमाटर पे भी सब्जी अच्छा लगता है। तो देखिए हम जल्दी जल्दी से टमाटर भी कटिंग कर लिए, उसके बाद जल्दी जल्दी से हम प्याज को भी कटिंग कर लिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कितना ज़्यादा प्याज हम कटिंग कर चुके हैं, आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। और उसके बाद देखिए लहसुन अदरक का भी हम पूछ लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हमने कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, और इसको फ्राई करेंगे। तो ये इसमें तेल डालेंगे, पहले ये कढ़ाई गर्म हो जाता है तब। और इस बगल में हम चावल बनाने के लिए अदरक चढ़ा दिए हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा हम तेल डाल लेते हैं। आप लोग बोलिएगा बहुत सारा तेल डाल दी है, तो ऐसा बात नहीं है, मतलब इतना तेल डालने का कारण है क्योंकि इतना सारा आलू है तो फ्राई करने में थोड़ा ज्यादा तेल लगता ही है इसीलिए। और देखिए हम कितना अच्छा अपना किचन को बनाए हुए, पूरा कांटी ठोक ठोक के टंगने वाला, गरीब आदमी का किचन ऐसा नहीं रहता है।
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं तेल में से धुआं निकल रहा है, मतलब तेल गर्म हो चुका है। तो चलिए अब इसमें ये आलू रख देते हैं। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बन रहा है, इसको थोड़ा उलट पलट देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कितना मस्त फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको फ्राई होने। तो दोस्तों तब तक ये फ्राई हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं इसमें मसाला रख देते हैं। तो सबसे पहले हम हल्दी पाउडर ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, उसके बाद धनिया पाउडर ले रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो, और फिर यहाँ पे देखिए अब हम ले रहे हैं जीरा का पीसा हुआ पाउडर, फिर गरम मसाला, और देखिए अब मिर्ची पाउडर हम नहीं रखे हैं लेकिन इस डिब्बा में से रखेंगे, क्योंकि इसमें रेड वाला मिर्ची पाउडर है ना, तो सब्जी लाल होगा तो अच्छा लगेगा देखने में। और फिर देखिए इसमें हम पानी रख दिए, जब तक हम बनाएंगे तब तक ये फूल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल देते हैं। तो देखिए ये हम एक छनौटा ले लिए हैं जिससे हम निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही करके सारा आलू, उस आलू को भी हम देख रहे हैं रख दिए हैं फ्राई होने के लिए। तो ऐसे ही सारा आलू फ्राई हो जाएगा, फिर उसका सब्जी बनाएंगे। यहाँ पे देखिए देख सकते हो, और फिर हम सब्जी इसको निकाल के रख दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ खारे मसाले हैं जो कि तेजपत्ता है, जीरा है, और ये है कुछ बड़ी इलायची, ये सब, तो सबको हम इसमें रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है मिर्ची, हरा मिर्ची, इसको भी डाल देते हैं। फिर ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, पेस्ट को डाल देते हैं। करें उसके बाद देखिए पूरा प्याज डाल दिए, फिर टमाटो भी डालेंगे बट थोड़ा देर के बाद दोस्तों। और फिर यहाँ पे देखिए ये देखिए प्याज गल चुका है, तो हम जितना भी मसाला घोड़े हुए थे उसको डाल दिए हैं। और देखिए फिर मसाला को भी फ्राई करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में और बहुत ज़्यादा मेहनत भी, तो आप लोग ज़्यादा से प्यार दीजिएगा। और फिर इसमें हम नमक डाल दिए हैं, तो स्वाद के अनुसार आप लोग भी डाल दीजिएगा। और फिर इसको हम फ्राई करेंगे दोस्तों। आप लोग प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बनाने में भी, और शूटिंग करने में भी, एडिटिंग करने में भी, और फिर डालने में भी। तो दोस्तों आप लोग बस यही करते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और फिर देखिए यहाँ पर हम धनिया पत्ता भी कटिंग कर लिए हैं, और फिर उसको भी फ्राई करने के लिए उसी में डाल दिए, क्योंकि ये फ्राई भी हो जाएगा तो अच्छा लगेगा टेस्ट वेस्ट का। और इधर देखिए इधर मेरा मतलब कि ये हो गया है, भात भी हो चुका है, थोड़ा सा मसाला में पानी रख दिए फ्राई होने के लिए। और देखिए इधर हम चावल पसाने के लिए आ चुके हैं चूल्हा पर, जो मिट्टी वाला चूल्हा होता है ना उस पर आ चुके हैं चावल पसाने, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका कलर क्या जोर कलर आया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा धूप के किरण आ रहा है ना, तो इतना आपको अच्छा से नहीं दिख पाएगा, लेकिन देखिए इसका कलर बहुत ही भिजो रहा है, कम देखेंगे। अभी तो ये और भी भुजा ही रहा है, अभी और मतलब फ्राई होगा तो और भी अच्छा कलर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अब इस मसाला में हम आलू को भी रख देते हैं ताकि आलू भी फ्राई हो जाए। ये देखिए चुके हैं, अब इसको भी ऐसे करके फ्राई करेंगे, और फिर फ्राई होने के बाद दोस्तों इसमें रस के लिए पानी रखेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये हम इसको फ्राई कर दिए, एकदम रेड में रेड कलर आ चुका है। तो चलिए अब इसके रस के लिए इसमें पानी रख देते हैं, देखिए इतना सारा पानी रखते हैं हम, ये देखिए रखते हैं ताकि फिर उबलेगा ना, बहुत ही मजा आने वाला है खाना आज। चलिए ज़्यादा पानी नहीं रखेंगे, इतना रख दिए हैं, अब इसको उबाल आने तक ढक दिए तब तक। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा सब्जी बन चुका है, अब इसमें हम इसको रख देते हैं। ये देखिए क्या कलर है, क्या टेक्सचर, आपको देख मन कर रहा है खाने का? मुझे बहुत मन कर रहा है, मन कर रहा है पूरे आलू खा जाते, रस छोड़ देते, इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम
आलू का फ्राई वाला खाए थे, हमको बहुत अच्छा लगा है एकदम। आप लोग तुरंत हमारे इस चैनल पर शुरू से अंत तक वीडियो देखिए और अच्छे से बनाने का प्रक्रिया जाने और अपने आप से बनाए भी। जिनको खाना है मिट्टू मासी ब्लॉग पे कमेंट कीजिए, हमसे नंबर लीजिए, हमारे घर पे आइए, बना कर खिलाएंगे। हम बनाएंगे, हम खिलाएंगे जो कहिएगा सो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू।